सुधा अग्रवाल ने लिखा है, आप जब कहते हो कि जिस दिन उदासी है उसके साथ रहो, ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। एक तो हम शांत हो जाते हैं और कोई केंद्र से ऊर्जा निकलकर समाधान होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल, जैसे ही अपने किसी भी मनोभाव का हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, रूपांतरण, उसका एल्केमिकल चेंज। उदासी है, उदासी से लड़ाई नहीं लड़ी हमने, उदासी को स्वीकार किया, उसके साथ रहे और फिर वो रूपांतरित होती। स्वीकार के साथ ही हमारे अंदर एक केंद्र, एक सेंटर्डनेस, स्टिलनेस बन जाती है। तो जैसा लिखा है कि वहीं से कोई समाधान भी आता है, वहीं से कोई जीवन में शांति की धारा भी आती है, तो वो आती है। और इसके अंदर जो की है, जो राज है, वो यही है, स्वीकार कर ले। जैसे ही आप स्वीकारते हैं बस रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।